नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है तेरा विश्वास शक्ति बने याचना नहीं। हे प्रभु, मेरी केवल एक ही कामना है कि मैं संकटों से डर कर भागू नहीं, उनका सामना करूं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि संकट के समय तुम मेरी रक्षा करो, बल्कि मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि तुम उनसे सूझने का बल दो। मैं यह भी नहीं चाहता कि जब दुख संताप से मेरा चित्त व्यथित हो जाए तब तुम मुझे सांत्वना दो। मैं अपनी अंजलि के भाव सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हुए इतना ही मांगता हूँ कि तुम मुझे अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दो। जब किसी कष्टप्रद और संकट की घड़ी में मुझे कहीं से कोई सहायता न मिले तो मैं हिम्मत न हारूं, किसी और स्रोत से सहायता की याचना न करूं, न उन्हें गड़िया में मेरा मनोबल क्षीण होने पाए। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृढ़ता और शक्ति देना जिससे कि मैं कठिन से कठिन घड़ियों में भी संकट और समस्याओं के सामने भी डट रह सको और तुम्हें हर घड़ी अपने साथ देखते हुए उन्हें हंसी खेल समझकर अपने चित्त को हल्का रखो। मैं बस यही चाहता हूँ। चाहे वैसी ही प्रतिकूलता है ओ व्यवहार में मुझे कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े उसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे इतना कमजोर मत होने देना कि मैं आसन संकटों को देखकर हिम्मत हार बैठो और यह रोने बैठ जाओ कि अब क्या करूं, मेरा सर्वस्व छिन गया। प्रभु तुम्हारा और केवल तुम्हारा विश्वास ग्रहण कर लोगों ने अकिंचन अवस्था में रहते हुए भी इतिहास की श्रेष्ठ उपलब्धियाँ प्राप्त की है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास मेरे लिए शक्ति बने याचना नहीं, संबल बने क्षीणता नहीं। बस इतनी ही कृपा करना। रविंद्रनाथ टैगोर, अखंड ज्योति, मार्च 1978, पृष्ठ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।